प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी शुरुआती सुस्ती के बाद अब मोर्चे पर आक्रामक हो गया है। इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पास एक मौका है कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सबसे अधिक दिनों तक देश के पीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ सके। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दिन रात एक किए हुए है। पीएम मोदी के मिशन 400 पार के साम दान दन भेद के सभी लेवल पर काम हो रहा है। हालांकि जिस तरह से पहले दो फेज की वोटिंग से रुझान मिले वह बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उससे यही लगता है कि बीजेपी के लिए यह टारगेट बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कुछ मुद्दे और बातें हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किलें बन सकती हैं। इसमें पांच बड़े मुद्दे हैं, तो चलिए इस वीडियो में आपको सब कुछ बताते हैं। आरक्षण खत्म करने वाली सरकार। विपक्ष इस बात का नरेटिव सेट करने में सफल हुआ कि सरकार आरक्षण खत्म करने वाली है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो तक जारी कर दिया गया। मामला इतना संवेदनशील हो गया कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ फर्जी वीडियो जारी करने का मामला भी दर्ज हो गया। गूगल पर एक बार आरक्षण लिखिए, पता चल जाएगा कि विपक्ष के नेता किस तरह से नरेटिव सेट कर रहे हैं कि यह सरकार वापस आई तो आरक्षण को खत्म कर देगी। कहीं आप नेता संजय सिंह, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे तमाम नेताओं ने इस दौर में ऐसे बयान दिए हैं जिसका मतलब है कि बीजेपी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में आरक्षण को खत्म करने का मन बना रही है। दूसरी तरफ इस मुद्दे को बढ़ता देख पीएम मोदी और अमित शाह को बार बार बोलना पड़ रहा है कि देश में कोई भी सरकार आ जाए आरक्षण कोई नहीं खत्म कर सकता। ऐसे में बीजेपी जिस तरह इस मुद्दे पे सफाई देने लगी है इससे साफ लगता है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेरने में सफल रहा। संविधान बचाओ नारे का मुद्दा बन जाना। अचानक पिछले 15 दिनों में देश में संविधान बचाने की बातें दोनों पक्ष में होने लगी हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन या नरेटिव सेट कर रहा है कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही है कि देश में बहुत से कानूनों को बदला जा सके। विपक्ष ने बहुत ही संगठित तरीके से इस बात को आम लोगों के बीच में फैलाया। एक सर्वे में ये भी बात सामने आई कि गांव-गांव में यह बात मुद्दा बन गया है कि ईडी सीबीआई के जरिए सरकार मनमानी कर रही है। यहां तक कि विपक्ष ने बहुत गलत तरीके से यह बात फैलाई कि अगर बीजेपी सरकार वापस आती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे, जबकि ऐसी बातें आजकल के दौर में किसी भी दल के लिए संभव नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जनता इन बातों से प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता भी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो अनुसूचित जातियों और पिछड़ों के आरक्षण में मुस्लिमों को भी हिस्सा दिया जाएगा। AIMIM और BSP नहीं बनी बीजेपी की टीम भी। बीजेपी के लिए 2014 और 2019 के चुनाव में कभी BSP और कभी AIMIM के प्रत्याशियों ने मुकाबले को त्रिकोण बनाकर बीजेपी को बहुत सी सीटों पर लाभ पहुंचाया, पर इस बार ओवैसी और मायावती से इस प्रकार का कोई फेवर नहीं मिलता दिख रहा है। विपक्ष इन दोनों नेताओं पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता रहा है, पर इस बार ये दोनों फैक्टर गायब हैं। ओवैसी ने पहले कहा था कि वो यूपी में 34 और बिहार में 40 प्रत्याशी खड़े करेंगे, पर अब AIMIM का केवल एक प्रत्याशी बिहार के किशनगंज में दिख रहा है। उसी तरह BSP पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक करीब 1.5 दर्जन उम्मीदवार ऐसे खड़े की है कि जो सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। राजपूत की नाराजगी। राजपूत बीजेपी के हार्ड कोर वोटर है, पर इस बार गुजरात, राजस्थान और यूपी इस समुदाय में असंतोष दिख रहा है। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में राजपूतों वाले गाजियाबाद और नोएडा सबसे कम वोटिंग परसेंटेज आए। पहले चरण में मुजफ्फरपुर में राजपूतों की नाराजगी स्पष्ट देखी गई। राजपूतों को मनाने के लिए यूपी में इसी समुदाय के दो कछुआ नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम
योगी आदित्यनाथ को पार्टी ने लगाया, पर इसका भी कोई फायदा अभी तक नहीं मिला है। 400 पार का फील गुड, बीजेपी का 400 पार का नारा उल्टा पड़ गया। एक तो इसका संदेश गया कि बीजेपी को इतनी सीटें आती हैं तो यह सत्ता को निरंकुश बना सकती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कट्टर समर्थकों को इस नारे के चलते फील गुड जैसा भाव आने लगा। इसके चलते बहुत से लोग यह मानकर चलने लगे कि बीजेपी जीत ही रही है। इसी भाव के चलते बहुत से बीजेपी के वोटर्स मतदान केंद्र तक पहुंचे ही नहीं। उन्हें ये लग रहा था कि बीजेपी जीत ही रही है और उनके एक वोट देने से क्या होने वाला है। बीजेपी के लिए यह बिल्कुल 2004 वाली बात हो गई, जब पूरे देश को लग रहा था कि एनडीए की सरकार वापसी करेगी। यहां तक कि उस समय विपक्ष ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। बहुत कुछ इस बार भी वैसी ही सिचुएशन दिख रही है। तो ये थे वो 5 मुद्दे जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। खैर, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी के मिशन 400 पार का क्या होगा और क्या सच में विपक्ष के ये मुद्दे बीजेपी पर भारी पड़ेंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा।